हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि G20 सम्मेलन चल रहा है इंडिया में, तो हमारे ऑफिस की छुट्टी है, प्रीति का भी पार्लर बंद है, तो दिनेश की भी छुट्टी है। हम सोचे कि भाई कहीं घूमने चलते हैं, तो नीम करौली बाबा को तो सभी जानते हैं, कैंची धाम नैनीताल में है जो। तो प्रीति बोली कि भाई नीम करौली बाबा के यहाँ चलते हैं दर्शन करने, तो नीम करौली भी होके आ जाएंगे, बाबा के दर्शन करके आ जाएंगे, और उसके बाद हम नैनीताल भी घूम लेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं, समय हो रहा है अभी रात के 8 बज रहे हैं, और यहाँ से चलते हैं हम मेट्रो पकड़ेंगे सीधा कश्मीर गेट, वहाँ से बस पकड़ेंगे, देखते हैं वॉल्वो मिलेगी या फिर हिमाचल रोडवेज वगैरह है जो भी। तो सब नीचे पहुँच चुके हैं, बस मैं रह गया था, अपना आधार कार्ड भूल गया था मैं, तो मैं अपना आधार कार्ड ले रहा हूँ और चलते हैं फिर मेट्रो में। तो गाइस हम पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, वो तो मैंने घर बता दिया सब कुछ। और ये जवान ज़्यादा ही चला रहा है बंदा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है दिनेश की आज। ये सर्व का देखो मस्ती करी। दिनेश क्या हुआ तेरे को बता दे, गोटी घूमी अच्छा पेट की गोटी। तो भाई जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया आपको, हम नैनीताल जा रहे हैं, और ये हमारा अचानक प्लान था। सुबह तक जब मैं सो के उठाऊँ, जब तक हमारा कोई प्लान नहीं था। 10 बजे करीब प्रीति ने मेरे से बोला भाई नैनीताल चल रहे हैं, तो दिनेश की राय लेते हैं। दिनेश कैसा लगता है ऐसे, मतलब एकदम प्लान एकदम ही बना है? हां एकदम, जो क्योंकि इससे पहले हम वहां गए थे आठ शाम गए, जब भी एकदम 2 घंटे पहले प्लान बना, रात को निकल गए 12 बजे, और अब भी एकदम प्लान बना है शाम को निकल, अब रात को निकल रहे हैं। मेट्रो भी आ गई, तो हमारी मेट्रो आ गई गाइस, कश्मीरी गेट से देखेंगे। हेलीकॉप्टर बुक करा हुआ है सर, देखते हैं वोल्वो या फिर हिमाचल रोडवेज की। और ये हमारी मेट्रो आ गई है, लाइट देखिए अंदर लाइट जल रही है, और हमारी सर्विका को चढ़ते ही दूध देख पहुंचते ही दूध, ये सारा वजन यू उठा रही है हमारी सर्विका, देखिए ये आ गई मेट्रो गाइस, और चलते हैं अब मेट्रो में। तो गाइस हम आ गए आनंद विहार बस अड्डे, और अब यहाँ से हमें बस मिली है लोकल वाली, वोल्वो थी पर वो निकल चुकी है, सारी टाइमिंग्स अपनी यही मिली है लास्ट, ये जाएगी हल्द्वानी तक, उसके बाद देखेंगे आगे क्या, कैब देखेंगे या देखेंगे पर्सनली, अब आगे जाकर मिलते हैं आपको। और ये आनंद विहार का बस अड्डा है, अब बारिश भी आ रही है फिलहाल तो, पर कम है पहले की तरह तेज ना, पहले तेज थी, तो अचानक ही प्लान बना था ये, अब चलते हैं मिलते हैं रास्ते में बीच में। और बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है, बहुत तेज आ रही है यहाँ पर भी रास्ते में, और अब ये सारे पीछे पड़े हैं सर्वी का गोदी में, जग रही है पर सोई ना, अब तो चला गया, थोड़ी देर रस्तों के मजे लेते हैं नज़ारों के, और उसके बाद सो जाएंगे, कहीं रुकेंगे फिर देखते हैं खाने पीने के लिए। तो वैसा हालत तो है मेरी, तो तबीयत ही ख़राब है, अब तो आराम है पर पहले से, कहीं रुकेंगे फिर देखते हैं, और बीच बीच में मिलते रहेंगे। भाई ने तो मौसम मना दिया, गाने चला रखे गाड़ी ऊपर स्पीकर में, गाने चल रहे हैं सारे, आसिक बैठे गाने सुन रहे हैं बढ़िया, अब ज्यादा ना चलेंगे कॉपीराइट आ जाएगा हम पे भी। भाई ने तो सिस्टम कहना कर रखा, उठे हुए गाने बजा रहा हूँ, एक और अरे हमारी वो लास्ट सुन रही है, भरा बैठे थे दर्द से, दर्द से भरा बैठा भाई, बहुत दर्द है भाई, किसी ने ज्यादा नहीं सुनाएंगे कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस हम आ चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर, और हमने लिया है अपना पहला स्टॉप, जो कि कहना श्याम करके ढाबा है, और अब हम अपने घर से पनीर के पराठे लाए हैं, और यहाँ से हमने लिए दाल मखनी, और चलते हैं खाना खाने के लिए। सर्विका को तो ज़्यादा ही सर्विका ने खा लिया है, और उसको वॉमिटिंग भी हो गई है, और देखते हैं अभी खाने में क्या क्या, और देखते हैं अभी फिलहाल तो हमें दाल मखनी समझ आ रही, क्योंकि बाहर निकलते हैं ना तो दाल मखनी ही कोशिश करें, क्योंकि पनीर वगैरह इनका मीठा होता है, तो पराठे हम अपने घर से लेकर आए पनीर के, और दाल मखनी यहाँ से ले लिए, चल रहे हैं आ जाओ दिखाते हैं। अब मेरी भी तबीयत ठीक होगी अब, अरे हाँ दिनेश गानों ने तो भाई सिस्टम बना रखा बिल्कुल अंदर, ऐसा मजे दिला रखे भाई ने, फुल इमरान आजमी कभी गदर, बढ़िया मूड एकदम, मतलब बंदा बोर नहीं हो सकता अगर इस वाली बस में भी आ रहा ना, बढ़िया है ट्रैवल पर्पस, नहीं वोल्वो वगैरह से तो बढ़िया, वोल्वो वगैरह से बढ़िया है, 450 रुपये इसका किराया है,
और बढ़िया टाइम, मेरे ख्याल से टाइम से ही पहुँचा देंगे, तो बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बताऊँ, और तो सब ठीक ही है, देखते हैं भी और खाने में क्या मंगाएंगे, अगर कुछ सही लगेगा ठीक है, नहीं तो अपने लाइट ही खाओ, और सफ़र में भी लाइट ही खाना चाहिए, वरना फिर परेशान ही रहते हैं, कभी टॉयलेट जा रहे हैं, कभी वोमिटिंग कर रहे हैं। आ जाओ, क्योंकि फिर बस वाले भैया निकल लेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, रास्ते में है बस कोई 20 किलोमीटर रह रहा होगा। और ये देखिए बारिश आ रही है बहुत ज़बरदस्त, और टेम्परेचर 18 डिग्री है, 18 डिग्री टेम्परेचर है, और बारिश है साथ में। ये देखिए खाई, और ये पहाड़ी खाई देखिए, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं और दिनेश कुछ भी रख के नहीं लाए, जैकेट वगैरह, और यहाँ पर तो भैया बहुत ज़्यादा ठंड है। अब कोशिश करेंगे नैनीताल पहले पहुँचे। ये देखिए खाई, और नैनीताल पहुँचकर या तो कुछ खरीदें अपने शॉल वगैरह, देखते हैं भाई। ये देखिए गाइस, ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी धुंध है, ये कोहरा है, और भाई साहब यहाँ तो बहुत ठंड है सही में। गाइस ये देखिए हम पहुँच चुके हैं, माल रोड 0 किलोमीटर है, हम नैनीताल पहुँच रहे हैं बिल्कुल। और बारिश देखिए गाइस, ये माल रोड आ गया, अब देखिए भाई बारिश, ये बारिश दिख रही होगी वीडियो में, देखिए गौर से, और मौसम ऑसम है ना। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, और यहाँ पर बारिश बहुत पड़ रही है, किसी भाई की छतरी ली है, छतरी की दुकान भी अभी बंद है, होटल भी नहीं मिल रहे, बहुत महंगे महंगे होटल हैं, ढूंढ रहा हूँ होटल, प्रीति दिनेश को छोड़ दिया है कहीं, होटल ढूंढ रहा हूँ अभी। ये देखिए गाइस नैनी लेक है, ये होटल ढूंढ रहे हैं अभी हम, यहाँ पर अकेले में लग रहा हूँ, होटल पायल वो राजेश को मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल गया होटल, ये अभी दिखा दे एक मिनट, वो दिख रहा होगा आपको छोटा सा, हाँ वो बोर्ड है लाल कलर का बोर्ड, होटल पायल, वहीं जाना है मेरे को भी, वहाँ देखते हैं कितने रुपये का रूम है। तो हमारे यहाँ से एक फ्रेंड आया हुआ है हमारा, वो बता रहा है 2500 रुपये का रूम है, अभी जो मिल रहा है ले लेंगे, क्योंकि होटल बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं इधर। पानी का भाव देखो कितना ज़्यादा है, बहुत ऊपर है पानी, ये देखिए बोटिंग बंद है, ये देखिए गाइस पानी, पिछली बार कितना था और अब की बार बोटिंग ही बंद कर रखी है। ये देखिए मौसम देखिए भाई, किसी की छतरी मांग के लाया हूँ उधार, पहले मैं यहाँ से बुक करके यहाँ से बैठते थे ना हूँ मैं, अब के तो कुछ भी नहीं है, और ठंड बहुत लग रही है, टी शर्ट में हूँ मैं, कपड़े हम लाए नहीं, हमें पता भी नहीं था ऐसा कुछ, चलते हैं होटल देखते हैं। तो गाइस होटल मिल चुका है, 2500 रुपये का होटल मिल गया है, होटल पंजाब है, और पर अभी वहाँ पे गेस्ट हैं, तो हमारा उन्होंने बोला है कि भाई 1-1.5 घंटे में आ जाओ तो रूम खाली हो जाएंगे, जो चेकआउट कर देगा तो आप चेक इन कर लेना। तो मैं प्रीति और दिनेश के पास जा रहा हूँ, चाय वगैरह लेके चलते हैं उनके पास, इंतज़ार करते हैं, अंकल फ़ोन कर देंगे, चलते हैं। ये देखिए गाइस, सबको ठंड लग रही है पर इस लड़की को नहीं लग रही, इसको मैं इतनी बार बोल चुका हूँ सॉल में आ जा सॉल में आ जा, पर ये नीरी बंदी, इसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, इतनी मासूम जितने बंदे दिखाई, जितनी मासूम बन के दिखाई है उतनी है नहीं, ये देखो कैसे देख रही है दिनेश को, और हमें देखो, हमने सॉल ओढ़ रखा, हमें ठंड लग रही है पर इस इसको नहीं लग रही भाई, जवान घूम है कौन सा खून है, जवान घूम है भाई, और ये देखिए गाइस मौसम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है, और कोई रूम खाली नहीं हुआ है अभी, कोई रूम खाली नहीं हुआ, सारे भरे पड़े हैं, बाहर बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं रूम खाली होने का, जैसे रूम खाली होता है तो मैं आपको रूम का टूर करवाऊंगा, रूम दिखाऊंगा, और अभी हमने मैगी बनवाई है तो मैगी दिखाएंगे कैसी है यहाँ की मैगी, पहाड़ों की मैगी, पर इसे लोंडे में ठंडा लग रही, पहाड़ों की मैगी वैसे भी अच्छी होती है,
दिखाऊंगा पहाड़ों की मैगी। तो गाइस रूम हमें मिल चुका था और कोई रात हम सो नहीं थे तो इसलिए हमें नींद आ गई, हम सो गए। और फिर मैसेज हमने उठ के देखे, हमारे फोन में मैसेज आ रखे हैं कि धर्म कौन सा धर्मपुर था और शायद नैनीताल, दोनों जगह आइसोलेटेड प्लेस बोला गया है। तो 24 घंटे यहाँ पर पूरी बारिश है बहुत ज़्यादा तेज। और झील देखिए, ये अभी थोड़ी देर में ना पानी ऐसा लग रहा बाहर आ गया था, कितना पानी है यहाँ। लहरें देखिए कितनी जबरदस्त है, कभी आज तक ऐसी दिखी नहीं है। मैं सेकंड टाइम आया हूँ और वैसे भी देखता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पर, तो कभी मैंने ऐसी मतलब इतना पानी ऊपर चढ़ा हुआ नहीं देखा नैनीताल में। तो अब हम सोच रहे हैं कि भाई अब उठे हैं, कुछ खाने पीने के लिए लेके आए। सो अब रात से बस पराठे जो मम्मी ने बना के दिए थे, पनीर के पराठे, वही खाए हैं। और हम जाएंगे मार्केट, हमने सामान ले लिया है, एक छाता ले लिया क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत थी, बस भीगा पड़ा हूँ पूरा, और एक ये रेनकोट है। तो हम सोच रहे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस बताना कैसा लगा हमारा नैनीताल का ब्लॉग, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। तो गाइस एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप जैसे पहाड़ों में आना चाहते हैं तो यहाँ का मौसम ना कभी भी चेंज होता रहता है, तो कोशिश करें कि पहले वहाँ की नॉलेज लेके और गर्म कपड़े जरूर रखें, चाहे मौसम हो ना हो, कभी मौसम चेंज हो जाता हमारी तरह गलती ना करें। हम ठंड में घूम रहे हैं, सब पर गर्म कपड़े, हम ही दोनों भाई ऐसे घूम रहे हैं, तो कोशिश करें कि भाई जानकारी लेके ही जाए और कपड़े अपने गर्म हमेशा रखें, चाहे जैकेट रखें। और मज़ा तो भाई लेके देखने मारा, देखिए कैसे बारिश भी पड़ रही है, बारिश तो बढ़ रही है, लग रहा था सर बीच समुद्र में लहरें ना उठे, हवा लग लग के भाई मछली का क्या हो रहा होगा, उन्हें ठंड लग रही होगी। बराबर है घूमरा येलो वाला अकेला ही घूमरा, गेरा किसने है, कौन हो है अभी इन्हीं का ही है। और ये है पूरा नैनीताल विलेज, इधर भी है उधर भी है, हम फिर चल रहे हैं, करते टाटा बाय बाय गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।